राज्य स्तरीय बॉडी लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर हेमंत ने किया गौरवान्वित। गंडाई वार्ड नंबर 11 टिकरी पारा के पूर्व पार्षद स्वर्गीय बीशुराम मरकाम के 26 वर्षीय पुत्र हेमंत मरकाम ने रायपुर के कुम्हारी में हनुमान व्यायामशाला के द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बॉडी लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 सीएम ट्रॉफी में भारत हेल्थ क्लब कवर्धा की टीम से भाग लेकर हेमंत ने 60 किलोग्राम वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल प्रमाण पत्र वॉशिंग मशीन एवं 1000 नगद पुरस्कार प्राप्त कर न सिर्फ अपने नगर का बल्कि अपने माता पिता परिवार समाज को भी गौरवान्वित किए हैं। इनके इस सफलता पर लोग बढ़ चढ़कर बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि हेमंत यहां विगत 5 सालों से व्यायाम कर रहे हैं। वर्तमान में वह नगर पंचायत गंडई में प्लेसमेंट कर्मचारी है। गंडई के एकमात्र शासकीय व्यायामशाला है जहां जरूरत के पूरे सामान नहीं है। छोटे मोटे खर्च वे लोग खुद कर पूरा कर व्यायाम छोटे मोटे खर्च वे लोग खुद पूरा कर यहां व्यायाम कर रहे हैं। वर्तमान में यहां 30 से 40 लड़के इस व्यायामशाला में व्यायाम करते हैं। भवन भी जर्जर स्थिति में है जिसका भी जीर्णोद्धार जरूरी है। इनका सपना और भी बड़े स्तर में जाकर जीत के अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना है। इसके लिए ये जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अपने इस मुकाम तक पहुंचने का श्रेय ये अपनी माँ को देते हैं जिनके सहयोग साथ और समर्थन के कारण ये मुकाम हासिल हुआ है। गंडई नगर पंचायत के 2 बार के पार्षद और नगर के क्रांतिकारी नेता बिशुराम मरकाम के पुत्र है हेमंत मरकाम, जो हाल में नगर पंचायत गंडई में प्लेसमेंट कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। था जहां कुम्हारी में राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन का शुभारंभ किया गया, वहां मेरा सिल्वर मेडल लगा है। मेरे को यहां प्रॉपर 4 साल कंटिन्यू हो गए जिम करते हुए। इन 4 सालों में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको, और व्यायामशाला में पर्याप्त व्यवस्था आप लोग के व्यायाम करने के लिए प्रशासन की तरफ से है कि नहीं है? नहीं, यहाँ तो उतनी सुविधा नहीं है जितनी होनी चाहिए, बहुत ही कम साधन है। कितना साल हो गया आपको व्यायाम करते हैं? यहाँ 4 साल हो गया। 4 सालों में आपके जानकारी में जो यहाँ जो सामान है व्यायाम करने का, वो क्या अभी निरंतर नया आया है कि पुराने सामानों में? पुराना ही है, जब मैं स्टार्ट नहीं किया था उस टाइम से ये चल ही रहा है। व्यवस्था आप लोग को भरपूर यहाँ मिल जाता है? नहीं मिलता व्यायाम करने? नहीं, नहीं मिल पाता। जितना अपने को सामान चाहिए रहता है उतना नहीं मिल पाता, जो भी है अपने मेहनत से कर रहे हैं। शिक्षा क्या है आपका? मैं पीजी कॉलेज कवर्धा से मास्टर डिग्री की। और हाल में अभी आपका क्या कार्य है? हाल में मैं नगर पंचायत में अभी प्लेसमेंट कर्मचारी हूँ। और आगे का आपका सपना क्या रहेगा? मैं आगे और खेलना चाहता हूँ, जैसे अभी कल स्टेट लेवल खेला, हो सके तो कोशिश करूंगा कि नेशनल लेवल तक जाऊँ। इसी व्यवस्था के बीच अगर आपको मेहनत करना पड़े और आपको अपना सपना पूरा करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इस साधन में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी मेहनत पूरी जारी रखूंगा। अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि जितना मेरे से हो सकता है मैं अपना 100% दूं। अपने जो जैसे आप बता रहे हैं कि एक शासकीय प्लेसमेंट कर्मचारी हैं आप, और उसमें वहां से ऑफिस से समय निकाल के आप कितना घंटा जो व्यायाम का जो कार्य है वो करते हैं? मैं सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक सुबह टाइम देता हूँ 2 घंटे, और शाम को ऑफिस के बाद यहाँ 1/2 घंटे। खान पान और जैसे नशा का जो है उसमें आपका क्या? नहीं, नशा से तो मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, दूर दूर से दूरी रहता हूँ बहुत उनसे। और खाने में अपना शुद्ध खाना रहता है मेरा, अच्छा डाइट लेता हूँ, हेल्थी डाइट लेता हूँ। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपका सपना क्या था, और इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं अपने मम्मी को देना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है इस चीज़ में। जो मेरा नाश्ता रहता है वही रेडी करती है, सब कुछ उन्हीं के ऊपर रहता है। व्यायाम करने के आप हमको फायदा बताएंगे? शरीर स्वस्थ रहता है, अगर हम जो भी काम कर रहे हैं अपने शरीर के लिए ही कर रहे हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो काम का क्या फ़ायदा? जो पैसा कमाए उसमें लगा दिए, उससे अच्छा है शरीर को हेल्थ रखो, कम कमाओ खुश रहो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे साथ इस वक्त हेमंत मरकाम जी हैं, जो जिनका उम्र 26 साल का है। और आप आज की पीढ़ी जो अभी जो जनरेशन चल रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि अधिकतर जो युवा हैं नशे के लत में डूबे हुए हैं, चाहे कोई भी प्रकार का तरह तरह का आज के समय में नशा पैदा हुआ है, और लोग खुद नशा पैदा कर रहे हैं और उस लाइन में जाकर अपनी सेहत। गंडई से रवि रजक, सीरीज़ टीवी।